कहते हैं पछतावे के एक आंसू से सारे गुना माफ हो जाते हैं। ये कहना वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी का भी है, जिन्होंने अपनी जादुई एक्टिंग से 5 बार नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्ट्रेस की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब इन्होंने पेट्रोल स्टेशन पर चाय और कॉफी बेची थी। यहां तक कि 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी ये कर चुकी हैं। तलाकशुदा राइटर जावेद अख्तर से शादी करने के लिए इन्होंने घर में बगावत कर दी थी। यही नहीं, हिंदू देवी देवताओं को लेकर किए अपने ट्वीट के चलते वो आज भी लोगों के निशाने पर रहती हैं, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि लोगों को जरा रास नहीं आया। क्या है शबाना से जुड़ी ये कहानियां, क्या है उनसे जुड़े विवाद, और बताएंगे उनसे जुड़े कुछ सुने और अनसुने उनके अफेयर के किस्से भी। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद के उस हिस्से में इनका जन्म हुआ जो अब तेलंगाना में आता है। इनके पिता मशहूर शायर कैफी आजमी थे, जिनकी शायरी की मिसाल आज भी दी जाती है, और उनकी माँ शौकत आजमी उस जमाने की बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट होती थी। शबाना को फिल्म इंडस्ट्री में आए कई दशक हो गए, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब शबाना आजमी ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। इस बात का खुलासा उनकी मां शौकत आजमी की ऑटोबायोग्राफी कैफी एंड आई मेमोयर में हुआ है। एक बार शबाना स्कूल की लेबोरेटरी में गई और कॉपर सल्फेट खा लिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी माँ उनके भाई बाबा आजमी को ज्यादा प्यार करती है। इसके अलावा एक बार शौकत आजमी ने शबाना के रूड बिहेवियर के लिए उन्हें घर से तक निकाल दिया था। उन्हें कहा था कि आप घर से चली जाओ, जिसके बाद शबाना ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन खैरियत ये हुई कि उस वक्त वहां स्कूल का चौकीदार मौजूद था, जिसने शबाना को मरने से बचा लिया। शबाना आजमी के बारे में बताया जाता है कि 12वीं क्लास में फर्स्ट डिविजन से पास होने के बावजूद एक्ट्रेस ने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले 3 महीने तक पेट्रोल स्टेशन पर कॉफी और चाय बेची थी। इस काम से रोजाना उन्हें करीब 30 रुपए मिलते थे। हालांकि यही बात उन्होंने अपने घर से छुपा कर रखी थी। जब एक बार शबाना ने अपनी मेहनत की कमाई को अपनी माँ के हाथों में सौंपा तो उनकी माँ हैरान रह गई और उन पैसों के बारे में पूछने लगी, तो शबाना ने बताया कि उनके पास 3 महीने का वक्त था जिसे उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया। बता दें कि एक्ट्रेस का नाम एक और विवाद के चलते सुर्खियों में रहा था, जिसमें उन्हें नवरात्रि के अवसर पर एक ट्वीट के चलते खूब बुरा भला कहा गया था। दरअसल एक्ट्रेस ने साल 2017 में पहली नवरात्रि को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा था, इस दुर्गा अष्टमी दुआ कीजिए कि दुर्गा की गर्भ में हत्या ना हो, किसी सरस्वती को स्कूल जाने से ना रोका जाए, किसी लक्ष्मी को अपने पति के सामने भीख ना मांगनी पड़े, किसी पार्वती को दहेज के लिए ना मारा जाए, और किसी काली को गोरे होने वाली क्रीम ना दी जाए। इस ट्वीट के बाद उन पर खूब निशाना साधा गया और सोशल मीडिया पर वो बुरी तरीके से ट्रोल हुई थी। बात करें उनके लव अफेयर और शादी तक के सफर की, तो ये भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शबाना आजमी का नाम जावेद अख्तर से पहले फिल्म मेकर शेखर कपूर के साथ जुड़ चुका है। शबाना का शेखर के साथ करीब 7 साल तक लंबा रिलेशनशिप रहा था, जो बाद में टूट गया। इसके बाद शबाना ने मशहूर लिरिसिस्ट और राइटर जावेद अख्तर के प्यार में पड़कर उनसे शादी की। इस शादी के खिलाफ शबाना आजमी के पेरेंट्स थे। ये रिश्ता बिल्कुल भी उन्हें मंजूर नहीं था। ऐसा इसीलिए क्योंकि जावेद पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन जावेद और शबाना एक दूसरे के प्यार में इस कदर पड़ चुके थे कि शबाना घर में बगावत पर उतर आई। जावेद अख्तर की उनकी पत्नी हनी ईरानी से भी खटपट चलने लगी और दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद 9 दिसंबर 1984 को जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने निकाह कर लिया। इस शादी से दोनों के बच्चे नहीं हैं। हालांकि जावेद के पहली पत्नी से हुए बच्चे फरहान और जोया अख्तर के साथ भी शबाना का अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। बात करें शबाना के फिल्मी करियर की, तो शबाना ने 1974 की फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारी बेहतरीन फिल्मों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। शबाना आजमी की सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री गजब की थी और दोनों ने 7 सुपरहिट फिल्में एक साथ दी। शबाना आजमी ने अक्षय कुमार और नंदिता दास के साथ वाटर फिल्म के लिए अपने बाल मुंडवा लिए थे। ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये फिल्म पर रोक लग गई थी और बाद में नई स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को दोबारा बनाया गया था। यही नहीं, अमर अकबर एंथोनी, हनीमून ट्रैवल्स, संसार जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी शबाना आजमी ने अपने एक्टिंग से अपने चाहने वालों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी ताजा है।
शबाना को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए अंकुर, अर्थ, पार्थ, गॉड मदर और खंडर के लिए 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। स्वामी, अर्थ और भावना के लिए शबाना को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। शबाना आजमी को भारत सरकार की तरफ से 1988 में पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ये थी शबाना आजमी की कहानी हमारी जुबानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।